बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र में सोमवार देर रात चोरों ने गोली मारकर किसान की हत्या कर दी। बदमाशों ने किसान के सीने में गोली मारी है। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी एसपी ग्रामीण ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना पुलिस को जल्द खुलासा करने का आदेश दिया है। घटना नवाबगंज थाने के गांव हरदुआ गौटिया की है। बताया गया कि सोमवार रात गांव निवासी किसान वीरेंद्र पाल अपनी पशुशाला में सो रहे थे। रात करीब 1 बजे पशुशाला के पास से 3 बदमाश गुजरे। आहट होने पर वीरेंद्र पाल की नींद खुल गई। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को बताया कि गांव में चोर घूम रहे हैं। इसके बाद वे अपने खेत की ओर चल दिए। गांव के पास वीरेंद्र के खेत में सोलर पैनल लगा हुआ है। उन्हें लगा कि शायद चोर उनका सोलर पैनल चुराने आए हैं। वीरेंद्र खेत के पास पहुंचे ही थे, वहां कुछ दूरी पर 3 बदमाश खड़े दिखाई दिए। वीरेंद्र ने शोर मचाया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। वीरेंद्र के सीने पर एक गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फायरिंग से ग्रामीण जाग गए और घटना स्थल पर पहुंचे। वहां वीरेंद्र का लहूलुहान शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने छानबीन की लेकिन बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगा। रात में ही एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान, एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा और सीओ नवाबगंज भी मौके पर पहुंचे। मृतक के बेटे गोपाल ने थाने में तहरीर दी। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को रात्रि लगभग 1 बजे ग्राम हरदुआ गोटिया थाना नवाबगंज में वीरेंद्र पुत्र लालता जो कि 65 वर्ष के हैं उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार के हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों से तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।